पांच दोस्तों की गैंग और ये सिंपल लोग हैं. एक जर्नलिस्ट है, एक मैकेनिक है, एक कंप्यूटर इंजीनियर है. तो इन पांच दोस्तों की एक गैंग है जो बहुत सालों से चलती आ रही है, जो एक तरह से उनका खुद का एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम है. जब हमारे देश में हमारा करप्ट सिस्टम बहुत बार आम आदमी को जस्टिस या इंसाफ नहीं दिला पाता, तो ये गैंग आकर उनका खुद का एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम है जो इन लोगों को इंसाफ, कॉमन मैन को इंसाफ दिलाती है, सिटीजन को इंसाफ दिलाती है. डिस्को चल रहा है यहाँ पे. यहाँ नेक्स्ट फिल्म को नॉट सो टिपिकल बॉलीवुड फिल्म इस तरह से कहा जाता है, ये ऐसा क्यों, क्या है मतलब कॉन्टेंट इस फिल्म? यू वांट टू फिक्स दैट लाइट फर्स्ट. ये फिल्म जहाँ पे दो चीज़ों का मेल है, सोशल रेलेवेंस, करप्शन हमारे सिस्टम में, जो अत्याचार होते हैं, जो जो बुरी चीज़ें होती हैं उसके ख़िलाफ़ आम आदमी जो आवाज़ उठा नहीं पाते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो ये गैंग आके उनका एक एक्सट्रीम मेजर है उन चीज़ों को सही करना, ये शायद ही हमारे इंडस्ट्री में बहुत बहुत कम हुआ है. और उसके साथ साथ एक बहुत ही एंटरटेनिंग क्यू लिया है डायरेक्टर ने, एक इट्स इज़ फन ऑलमोस्ट, जिस तरह ये लोग बदला लेते हैं एक, इसमें एक ह्यूमर है, आई एम श्योर ऑडियंस को भी एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो इस किस्म की फिल्में ज़्यादा नहीं बनती हैं. तो कह सकते हैं कि हाँ, हमने थोड़े एलिमेंट्स डाले हैं फिल्म में म्यूज़िक के ज़रिए और स्क्रीन प्ले के ज़रिए, एक्शन के ज़रिए, टू मेक इट्स मोर मेन स्ट्रीम. बट ऑफकोर्स एक ह्यूज एक्सपेरिमेंट भी है विद द सब्जेक्ट. म्यूज़िक की बात करें तो आपका एक डांस नंबर डाला गया है जी, जो कि श्रद्धा के साथ काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? वेल, मेरा दिस वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स डांस पसंद थी इस फिल्म में, जिस मैंने कहा कि जनरली म्यूज़िक को का स्कोप नहीं था इस फिल्म में, लेकिन रेंजिल और करण ने हम ऑलमोस्ट एक साल बिताया म्यूज़िक ढूंढने में. एंड ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, एक इंट्रोडक्शन सीन है मेरा जो फिल्म में गाने के ज़रिए आता है. एंड हमें एक अच्छा गाना चाहिए था, एंड वी हर्ड दिस ट्रैक. And it's a fantastic track, bahut hi catchy hai, it's become a big hit and we shot it with Shraddha and yeah, it was fun shooting for it. One last question. Aapne kaha ki aapka agar aapko change lana pade real life mein, agar aapko change lana pade to aap kya lana chahenge, jis tarah aap isme badlav lane ki koshish kar rahe ho, real life mein aap kya chahenge, kya change system? Well, generally main chahunga ki corrupt system mein bahut sari cheeze hain, main ek koi cheez ko change nahi karna chahunga, ek specific cheez nahi hai, bahut sari cheeze hain. मेरा खास करके खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है पाँच छः साल पहले, जब हाउसिंग सोसाइटी में एक प्रॉब्लम हुआ था, और अभी भी एक तरह से गेटोज़ हैं मुंबई में, शहरों में, जहाँ पर एक कास्ट के लोग मिल जाते हैं और कोई दूसरा कास्ट का आदमी जब आता है तो उनको जगह नहीं मिलती है. ये हिंदुओं के खिलाफ हो सकता है, मुस्लिम के खिलाफ हो सकता है, क्रिश्चियंस, जैंस. तो जनरली आई थिंक अगर सेक्युलर सोसाइटी है हमारी, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि एज आ गिवन राइट एज सिटीजन ऑफ आ कंट्री, हमें कहीं भी हम रह सकते हैं, बिकॉज इट्स आ कंट्री, हम टैक्सेस पे करते हैं, एंड दीज गेटोज शुडंट बी देयर. तो अगर वो एक चीज़ पहले होगी वो होगी हाउसिंग सोसाइटीज़ की. संजय दत्त के साथ आप इस फिल्म में पहली बार तो कुछ खास एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? वेल, उनके साथ बातें करना, उनके साथ ये अच्छे सीन्स शेयर करना, टू माउथ लाइन्स विद हिम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. ही इज़ अ फैंटेस्टिक एक्टर इन इज ओन राइट, और यू नो वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोर्ट की रूलिंग उनके अगेंस्ट गई थी, और वी शेयर्ड सम ग्रेट टाइम्स. बहुत सारी उनकी एंटरटेनिंग कहानियाँ सुनी हमने शूटिंग के दौरान, अबाउट द इंडस्ट्री, जिस तरह इंडस्ट्री बदली है, क्या नहीं बदला है इंडस्ट्री में. सो या ऑल द डेज गुड फन. थैंक यू सो मच. उन्हें एक बार दिखाएंगे ऐसा कुछ अगर मौका मिला, डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम भी किया है फिल्म में, एंड या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो डेफिनेटली. थैंक यू.